हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। पहले दो चार दिन का जो गैप हो गया है वो शिफ्टिंग की वजह से हो गया है। मैं आपको पहले बता चुका हूं टेलीग्राम चैनल पे हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस की चार क्लास पढ़ चुके हैं। उन चार क्लासों में चार टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को स्टडी कर चुके हैं। तो हम आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का एक और नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज का कंसेप्ट जो पीछे मैंने आपको टॉपिक कराया है परसेंटेज, उसमें मैं उसको करा चुका हूं, लेकिन क्वेश्चनों की लैंग्वेजों में बस फर्क होगा, सॉल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं होगा। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं कौन से वाले टाइप की बात कर रहा हूं। परसेंटेज में टाइप थ्री में जो मैंने कराया उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम पांचवी क्लास है लाभ और हानि की, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो पहले उन क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन इस कंसेप्ट से पूछा जाता है। पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चनों पर चलेंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो, पहले हम आज की क्लास का कंसेप्ट समझते हैं भाई कि आज की क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो, लाभ और हानि से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एसएससी में और बैंक में हमसे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। जो चीजें मैंने आपको बताया था कि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिकल चीजों से जुड़ा हुआ है, ज्यादातर चीजें जो प्रैक्टिकली होती हैं वही हमसे मैथ्स में पूछी जाती है। सारे टॉपिकों का प्रैक्टिकली यूज है, सेम उसी प्रकार से लाभ और हानि का भी प्रैक्टिकली यूज है। मैं ये जो लाभ और हानि है ये तो बहुत ही आम बात है, जब कोई भी आदमी कोई भी व्यापार करता है या ट्रांजेक्शन करता है तो श्योर उसमें लाभ और हानि होनी ही होनी है। तो ये यहां पर जो आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे लाभ और हानि का, इस कंसेप्ट में कौन से क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी मान के चलो दुकानदार है, वो बहुत सारा सामान एक साथ खरीद लेता है, थोक में खरीद लेता है, एक साथ उतने खरीद लिया, फिर उस सामान को वो अलग अलग भागों में बेचता है। जैसे मान के चलो कोई फल विक्रेता है तो वो क्या करेगा, वो बहुत सारे सेब एक साथ खरीद के लेके आएगा, अलग अलग तो लेके नहीं आएगा, फिर उन सेबों को अलग अलग दामों पर बेचेगा। जैसे मान के चलो उसने एक पेटी सेब को 20 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा, फिर बाकी को 15 में, फिर 30 में, ऐसे करके अलग अलग रेटों पर बेचा जाता है। फिर उसमें आपसे कंबाइंड प्रॉफिट परसेंट या किसी एक इंडिविजुअल लाभ प्रतिशत हमसे पूछा जाता है। तो ये आज के जो क्वेश्चन है इनमें क्या पढ़ने वाले, इनमें हम किसी भी चीज को खरीद कर अलग अलग भागों में जब बेचते हैं तो उन अलग अलग भागों पर अलग अलग लाभ प्रतिशत होता है। उसमें हमें या तो कंबाइंड लाभ परसेंट पूछा जाता है कि कुल मिलाकर कितना परसेंट लाभ हुआ, अगर हमें कुल मिलाकर लाभ परसेंट दिया होगा तो किसी एक इंडिविजुअल का पूछा जाता है। जैसे हमने भाग वाला टाइप परसेंटेज में पढ़ा था, आज का टाइप भी वही है। तो देखो, पहले थोड़ा सा समझ लेंगे आप। तो आज के कंसेप्ट में क्या है कि कोई भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, दो चीजें होंगी इसमें, दो चीजें होंगी, या तो हमें आर्टिकलों का कॉस्ट प्राइस दिए होंगे अलग अलग, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, या हमें आर्टिकलों की संख्या दी होगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। दो तरह के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, दो तरह के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, या तो हमें आर्टिकलों की संख्या दी होगी और सारे आर्टिकल जो हैं वो सेम क्रय मूल्य के होंगे या सेम प्रकार के होंगे, या हमें आर्टिकलों के अलग अलग क्रय मूल्य दिए होंगे। जैसे पहले हम फर्स्ट वाले को समझते हैं, सीपी वाले को। तो फर्स्ट वाले में मान के चलो चार वस्तुएं हैं, मान के चलो भाई चार वस्तुएं हैं, एक आपकी टीवी है और मान के चलो एक जो है हमारा फ्रिज है। पहले मैं आपको बस चीजों को समझा रहा हूं, पहले आप समझ लें, क्वेश्चनों पर हम बाद में चलेंगे। एक टीवी है मान के चलो, एक हमारा फ्रिज है और एक मान के चलो प्रेस है, कोई भी चीज है, मैंने मान लिया प्रेस है। अब इनके कॉस्ट प्राइस हमको दिए हैं, मान के चलो टीवी का कॉस्ट प्राइस हमको दिया है 20,000, ये सारी चीजें मैं लेट करके चल रहा हूं। टीवी का कॉस्ट प्राइस दिया है हमको 20,000, फ्रिज का जो कॉस्ट प्राइस दिया है वो हमें दिया है 15,000 और जो प्रेस है इसका कॉस्ट प्राइस दिया है मान के चलो हमें 5,000। बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे सारी बातें आपको समझाऊंगा पहले, फिर उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको मैं केवल एग्जाम के अप्रोच से ही क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो ये देखो, मान के चलो तीन आर्टिकल है, टीवी, फ्रिज और प्रेस। टीवी का जो क्रय मूल्य है वो 20,000 है, फ्रिज का क्रय मूल्य 15,000 है और प्रेस का क्रय मूल्य 5,000 है। अब ये तीन आर्टिकलों को, तीनों आर्टिकलों को मान के चलो एक दुकानदार बेच रहा है और उन पर लाभ कमा रहा है या हानि कमा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी आर्टिकल को लाभ पर भी बेचा जा सकता है, हानि पर भी बेचा जा सकता है, ये डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन किस प्रकार से हुआ है।
अगर मान के चलो टीवी का क्रय मूल्य 20,000 है तो मैं इससे ज्यादा पर बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा, और अगर इससे कम पर बेचूंगा तो मुझे हानि होगी। ऐसी ये फ्रेज है, इसको मैं अगर कम पर बेचूंगा 15,000 से तो मुझे हानि होगी, ज्यादा पर बेचूंगा तो लाभ होगा। ऐसे ही प्रेस किसी भी आर्टिकल को जब उसके क्रय मूल्य से ज्यादा पर बेचा जाता है तो लाभ होता है, कम पर बेचा जाए तो हानि, ये मैं बता चुका हूं। अब देखो, जैसे अब मान के चलो उस दुकानदार ने हमसे ये बोल दिया कि भाई टीवी को दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचा, तो लाभ का मतलब प्लस 10%। तो जैसे ही हम लाभ और हानि टॉपिक पढ़ रहे हैं और मैंने परसेंटेज के आगे प्लस लगा दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर प्लस का मतलब है लाभ और माइनस का मतलब होता है हानि। ऐसे ही परसेंटेज में प्लस का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब कमी। तो प्लस 10% मान के चलो टीवी को 10% लाभ पर बेचा गया, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे सर 20,000 पर 10% निकालेंगे तो 10% कितना हो जाएगा 2,000, क्योंकि 10% निकालने के लिए बस 10 पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं तो 2,000 हो गया। इसका मतलब टीवी पर होने वाला जो लाभ है वो 2,000 रुपए हो गया। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। ऐसे ही मान के चलो फिर फ्रिज को उसने कहा कि भाई फ्रिज को उसने 10% हानि पर बेचा, तो हानि का मतलब माइनस 10%, तो 10% कितना हो जाएगा, तो यहां पर उसे फ्रिज पर 1500 रुपए की हानि हो जाएगी। फिर इसी बात को मैं प्रेस पर बात करूं, मान के चलो उसने कहा कि प्रेस को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो प्रेस पर उसने 20% लाभ कमाया, तो 20% निकालेंगे तो 10% 500 का लाभ होगा, 20% दोगुना होगा, 1,000 रुपए का लाभ यहां से मिल जाएगा, 1,000 रुपए का लाभ यहां से मिल जाएगा। तो प्रेस पर 1,000 का लाभ हुआ, फ्रिज पर 1,500 की हानि हुई और टीवी पर 2,000 का लाभ हुआ। जब टीवी को 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, फ्रिज को 10% हानि पर बेचा रहा है, जो प्रेस है इसको 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको कहूं कि इन तीनों आर्टिकलों पर कुल लाभ परसेंट बताइए कि किसी दुकानदार को टीवी, फ्रिज और प्रेस, इन तीनों चीजों को बेचकर कितने परसेंट का लाभ हुआ। बात को बिल्कुल बारीकी से समझना, बात को बिल्कुल बारीकी से समझना। धीरे धीरे मैं आपसे कहूं कि बताइए टीवी पर होने वाला लाभ परसेंट क्या है, तो आप कहेंगे 10% और कितने रुपए हैं 2,000। ऐसे ही मैं कहूं कि बताइए फ्रिज पर होने वाला हानि परसेंट क्या है, तो आप कहेंगे सर 10% है, 15,000 पर 1,500 रुपए। ऐसे मैं कहूं बताइए प्रेस पर होने वाला लाभ परसेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 20% प्रेस पर लाभ हो रहा है और वो 1,000 रुपए है। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि हमें इनके क्रय मूल्य दिए थे और लाभ और हानि को हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट किया जाता है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए इन सभी आर्टिकलों पर, इन सभी आर्टिकलों पर कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो आप कैसे निकालेंगे। तो टोटल लाभ परसेंट अगर हमसे पूछा है, उसने लाभ परसेंट पूछा है, तो हम पहले ये देखते हैं कि उसे कितने का लाभ हुआ है, उसे तीनों आर्टिकलों को बेचने पर लाभ हुआ है हानि, पहले तो ये देखो। तो मैं देखता हूं 2,000 का यहां से लाभ कमाया, 1,000 का यहां से लाभ कमाया, 3,000 और 1,500 की यहां हानि हुई, तो इसका मतलब कुल मिला के उसे 1,500 का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब लाभ परसेंट अगर निकालेंगे तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कुल लाभ हुआ कितने का है। तो 2,000 और 1,000, 3,000 में से 1,500 घटाएंगे तो 1,500 का लाभ हुआ है। और फिर कुल क्रय मूल्य कितना है भाई, कुल लाभ परसेंट निकालना है तो कुल लाभ आएगा और कुल सीपी नीचे आएगा। और अकेले टीवी पर निकालते तो टीवी का सीपी आता, टीवी पर लाभ आता, अकेले फ्रिज का निकालते तो फ्रिज का सीपी आता। तो यहां पर अब कुल की बात कर रहा है, तो कुल की बात कर रहा है तो 20,000 रुपए ये, 15,000 रुपए ये और 5,000 ये, टोटल कितना हो गया 40,000। टोटल हो गया भैया 40,000 और 40,000 पर हम निकालेंगे मल्टीप्लाई 100। देखना बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, 0,0, 0 से 0, इसका मतलब ओवरऑल लाभ परसेंट आपका आ जाएगा 3.5%। देखो चार से इसको भाग देंगे तो 3.5% हो जाएगा, 4 × 3 = 12। अगर हम इसको करेंगे 4 से 15 को भाग देंगे तो 7/2 हो जाएगा भाई, 2 से ये कैंसिल नहीं हो रहा, सॉरी 4 से देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, 3 बार जाएगा, उसके बाद बचेगा कितना 30, 4 × 7 = 28, तो ये हो जाएगा 3.75%। इसका मतलब ये जो 3.75% है ये क्या है, ये 3.75% इन सभी आर्टिकलों को बेचने पर होने वाला लाभ परसेंट है। तो ये यहां पर कितनी चीजें हैं, यहां पर कितनी चीजें हैं, 3.75% का जो लाभ है वो सभी आर्टिकलों को सेल करने पर है, 10% का जो लाभ है ये केवल टीवी पर है, और जो 10% की ये हानि है ये केवल फ्रिज पर है, ऐसी जो 20% का लाभ है ये केवल प्रेस पर है। तो आज की क्लास में जो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इस प्रकार से बनने वाले हैं कि आर्टिकलों का सीपी दिया होगा आपको या सीपी का रेशियो दिया होगा, और ये वाले परसेंटेज जो है ये
चार, इनमें से कोई तीन दिए होंगे और एक आपको पूछा होगा। जो मैंने आपको ये पूरी चीज समझाई है क्रैमूल्य में ये पूरी चीज समझाई है, वो बस इसी बात के लिए समझाई है कि आप ये समझ पाओ कि आखिर आज हम पढ़ने क्या वाले हैं और कैसे क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो उसको हम पहचान के इस तरीके से करेंगे। इसलिए आपको ये सारी चीजें समझाई हैं। तो जब कभी भी हमें किन्हीं भी आर्टिकलों के कॉस्ट प्राइस दिए हों और उन पर होने वाले प्रॉफिट या हानि परसेंट दिए हों, उस केस में बाकी जैसे ये तीन आर्टिकल हैं तो इन तीनों पर दिया होगा मान के चलो लाभ हानि, तो आपसे कुल लाभ हानि परसेंट पूछा जाएगा। और अगर इन दो इनमें से किन्हीं दो पर देकर और कुल देकर दिया होगा तो आप पर इन तीनों में से किसी जो एक बचेगा उस पर पूछा होगा। ऐसे क्वेश्चन आज की क्लास में आपके बनेंगे। तो यहां पर आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, जब अलग अलग आर्टिकलों को अलग अलग लाभ या हानि पर बेचा जाता है तो उस ट्रांजैक्शन में होने वाला कुल लाभ परसेंट या तो हमसे पूछा जाएगा या उन आर्टिकलों में से किसी एक पर पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आज की क्लास में बनेंगे। तो ये मैंने आपको कॉस्ट प्राइस में बात समझाई। ये जो 3.75 है वो दुकानदार का इन तीनों आर्टिकलों को बेचने के बाद होने वाला लाभ हानि है और ये जो है इंडिविजुअल है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसी में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि टीवी, फ्रिज और प्रेस, इनके कॉस्ट प्राइस या तो जैसे परफेक्ट में मैंने लिखे ऐसे लिख के दे देगा या रेशियो दे देगा। उसके बाद क्या कहेगा, टीवी को 10% लाभ पर बेचा गया, फ्रिज को 10% हानि पर बेचा गया, प्रेस को 20% लाभ पर बेचा गया। तो बताइए दुकानदार को सभी वस्तुओं को बेचकर कुल कितनी प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो आप करेंगे आंसर 3.75%। बात को ध्यान से समझना, लैंग्वेज जैसे जैसे बदलूंगा वैसे वैसे ऐसे ही, या ऐसे कह सकता है कि टीवी, फ्रिज और प्रेस इतने इतने रुपए इनके कॉस्ट प्राइस है, टीवी को 10% लाभ पर बेचता है, फ्रिज को 10% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल 3.75% का लाभ होता है। तो बताइए प्रेस को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचा जाएगा। सभी पूरी बात का निष्कर्ष ये है कि ये 4% में से कोई तीन देगा और एक आपसे पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा इस पर आधारित। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं आर्टिकलों की संख्या पर। अब ये जो दूसरा टाइप है आर्टिकलों की संख्या, ये यहां कैसे बनता है, ये भाग वाला टाइप है जहां पर मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि जब कई चीजों का जोड़ जैसे टीवी प्लस फ्रिज और प्लस प्रेस, इन सभी का जोड़ जो है टोटल कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, जब सभी का जोड़ एक तीसरी वस्तु के बराबर हो, इनमें परसेंटेज चेंज दिया हो, सामने वाली में पूछा हो या सामने वाली में देकर इनमें से किन्हीं दो में देकर तीसरी में पूछा हो, तो वहां पर हम भाग वाले टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परसेंटेज में ये बात बता चुका हूं, समझ में आनी चाहिए और उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो अभी क्वेश्चनों के जरिए आ जाएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आर्टिकल्स की संख्या पर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आर्टिकल्स की संख्या में क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो देखो आर्टिकलों की संख्या में क्वेश्चन मैं आपको यहीं से समझा देता हूं। जैसे ये चार मार्कर हैं और सेम कंपनी के हैं और सेम मार्कर हैं, इसका मतलब भाई इनका मूल्य जो है वो अलग अलग तो हो नहीं सकता। जब ये चार मार्कर चार एक ही कंपनी के हैं तो इनके क्रय मूल्य सबके जो है वो समान होंगे, और जब इनके क्रय मूल्य समान होंगे तो जो आर्टिकलों की संख्या है वही क्रय मूल्य का अनुपात बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बात आपको यहां पर समझनी है। क्यों, क्योंकि अगर हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो पहले हमें क्रय मूल्यों का रेशियो या क्रय मूल्य पता होने चाहिए, और आर्टिकलों की संख्या में वो क्रय मूल्य देता नहीं है, क्योंकि आर्टिकल जब एक ही प्रकार के होते हैं तो उन सभी का क्रय मूल्य एक समान होता है। जैसे ये मार्कर है तो उनके क्रय मूल्यों का रेशियो क्या होता है, ये स्टूडेंटों को बहुत डाउट होता है, इसलिए आज मैंने ये दोनों टाइप साथ लेके चले। स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब मैं आर्टिकलों की संख्या और इसको सेम तरीके से करा देता हूं तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो आर्टिकलों की संख्या है और यहां आप बोल रहे थे कि क्रय मूल्य दिया जाना चाहिए, तो आपने ऐसे कैसे सॉल्व कर दिया। इसलिए मैं बता रहा हूं कि यहां आर्टिकलों की संख्या क्रय मूल्य क्यों बन जाती है। आर्टिकलों की संख्या क्रय मूल्य इसलिए बन जाती है क्योंकि जब ये चारों मार्करों के आर्टिकल जो है ये चारों मार्करों के क्रय मूल्य समान है तो मैं तीन मार्कर और एक मार्कर के क्रय मूल्य का रेशियो निकालूं तो कैसे निकालूंगा, देखो यहां पर समझ लो। जैसे मान के चलो एक मार्कर का मूल्य, पहले मैं आपको बता देता हूं आर्टिकलों की संख्या सीपी कैसे बन जाती है, ये बात आपको समझा देता हूं। एक मार्कर का मूल्य मान के चलो एक्स है, ठीक है, एक्स वाई कुछ भी मान लो, ठीक है। अब मान के चलो उसने तीन मार्कर बेचे उन पर अलग लाभ कमाया, दो मार्कर बेचे उन पर अलग लाभ कमाया, एक मार्कर बेचा उन पर अलग लाभ कमाया, और टोटल मार्कर कितने हो गए, छह। अब मैं इनके अगर कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालूं तो बात बताना कैसे निकालूंगा, तीन मार्कर और एक का क्रय मूल्य एक्स तो इसका कॉस्ट प्राइस 3x होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही दो मार्कर और एक का क्रय मूल्य एक्स तो इसका कॉस्ट प्राइस 2x होगा कि नहीं होगा, ऐसे एक मार्कर और एक्स का मल्टीप्लाई तो एक्स और टोटल 6x। तो एक्चुअली प्यारे विद्यार्थियों होता क्या है कि जब आर्टिकल
आर्टिकल दिए होते हैं और सेम प्रकार के जब आर्टिकल होते हैं तो उन सभी के क्रय मूल्य रेशियो में आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो उसका कोई भी प्रभाव अनुपात पर नहीं पड़ता। तो सीधा जो आर्टिकलों की संख्या है वही क्रय मूल्य का रेशियो बन जाती है। जैसे यहां पर बन जाएगा 3:2:1=6। तो जो आर्टिकलों की यहां पर ऊपर जो ये रेशियो थे 3x 2x, ये पहले 3:1 आर्टिकलों की संख्या के रेशियो थे, मैंने क्रय मूल्य का मल्टीप्लाई भी कर दिया फिर भी रेशियो सेम का सेम रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब आर्टिकलों की संख्या जो का जो रेशियो है वही क्रय मूल्य का रेशियो बन गया, और हमें क्रय मूल्य का रेशियो ही चाहिए होता है, क्रय मूल्य का रेशियो ही चाहिए होता है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहां से आपको प्यारे विद्यार्थियों ये बात समझ में आ गई होगी कि जब एक ही कंपनी के एक ही प्रकार के कोई वस्तुएं दी हैं अलग अलग, तो उनकी संख्याओं का जो रेशियो है वही सीधा उनके क्रय मूल्यों का रेशियो बन जाता है। ये बात समझ में आई होगी। यहां पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे या यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां पर क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वो ऐसे कहेगा कि मान के चलो एक दुकानदार ने, मान के चलो ऐसे क्वेश्चन बनेगा प्यारे विद्यार्थी यहां पर कि मान के चलो एक दुकानदार ने 10 CFL खरीदी, ऐसे क्वेश्चन यहां पर बनता है। उसके बाद वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा दुकानदार ने 10 में से 7 CFL को 10% के लाभ पर बेचा, ऐसे कहेगा वो। उसके बाद कहेगा बाकी की 2 CFL को उसने 5% के लाभ पर बेचा, ऐसे बोलेगा, और 1 CFL को उसने 2% हानि पर बेचा। तो बताइए सभी टोटल CFLO पर उसे कुल कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, ये हमसे पूछा जा सकता है। या हमें अगर ये चीज दी होगी तो इन तीनों में से कोई एक चीज नहीं दी होगी, जैसे इस पर नहीं दिया होगा तो ये कहेगा कि 7 को 10% लाभ पर बेचा, 2 को 5% लाभ पर बेचा, तो कुल मिलाकर उसे इतने परसेंट लाभ या हानि, तो बताइए लास्ट वाले CFL को उसने कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर जो आर्टिकलों की संख्या होती है वही सीधा क्रय मूल्य का रेशियो बन जाती है, और कैसे बन जाती है वो बात मैं आपको पीछे बता चुका हूं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है ये समझेंगे। तो आर्टिकलों की संख्या से समझा देता हूं, बाकी ये जो मैंने सीपी से बताया है ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 10 CFL हैं तो सबसे पहले हम आर्टिकलों की संख्या जिस प्रकार से उसने बेची है अलग अलग लाभ पर, वैसे आर्टिकलों की संख्या का रेशियो बनाएंगे। जैसे 7 CFL उसने अलग लाभ पर बेची, 3 CFL मान के चलो उसने अलग लाभ पर बेची, और टोटल CFL है कितनी, 10। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जब चीजों को एक साथ खरीद कर अलग अलग भागों में बेचा जा रहा हो या अलग अलग प्रकार की चीजों को, यहां आ जाते हैं जब अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, अलग अलग क्रय मूल्य की चीजें हैं, तो यहां से अलग अलग क्रय मूल्य की चीजों को एक साथ बेचा जा रहा है या एक ही प्रकार की चीजों को अलग अलग आर्टिकलों में बेचा जा रहा है। जैसे 10 CFL है, 7 एक बार में बेची गई, 3 एक बार में बेची गई, ऐसे करके जब कभी भी बेचा जाए और उन पर होने वाला लाभ हानि परसेंट दिया हो, जैसे उसने कहा कि 7 CFL को 10% लाभ पर बेचा गया, इन CFL को 10% लाभ पर बेचा गया, और ऐसे उसने कहा कि जो 3 है इनको 5% लाभ पर बेचा गया, तो बताइए कुल उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम भाग वाले टाइप का प्रयोग करते हैं जो परसेंटेज में हमने किया था। कैसे, 7 CFL में से 1 को 10% लाभ पर बेचा, तो पहले ये निकालो 7 CFLों पर कुल कितने परसेंट लाभ हो गया, तो 10 × 7 इसका मतलब 70% लाभ तो भैया यहां से मिल गया। सीधा ऐसे करना है, ऐसे इसका भी अभी ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था इसको भी आपको मैं इसी तरीके से कराने वाला हूं, टेंशन मत लो। ऐसे ही 5% लाभ पर 3 को बेचा, 1 CFL पर 5% लाभ हो रहा है, तो 3 पर कितना होगा, 5 × 3 = 15% हमें पूछा उसने कुल, तो कुल निकालेंगे तो 15 और 70 कितना हो जाएगा, टोटल 85% का लाभ होगा भैया, कितने आर्टिकलों पर, 10 पर, तो 10 CFLों में बराबर बराबर बांटेंगे तो आ जाएगा 8.5% प्रॉफिट। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं जब आर्टिकल दिए हो उनको अलग अलग मतलब प्रॉफिट लॉस पर बेचा जा रहा हो, कुल आपसे पूछा जा रहा हो, या कुल दिया हो और इनमें से किसी एक पर आपसे पूछा जा रहा हो, तो उन क्वेश्चनों को भाग वाले टाइप से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, पहले क्रय मूल्यों का रेशियो बनाते हैं, क्रय मूल्यों का रेशियो बनाने के बाद जितने परसेंट लाभ या हानि जिस पर हो रहा है उस परसेंटेज का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद अगर जैसे इधर वाली चीजें हैं तो इनको जोड़ के टोटल निकाल लेंगे, मान के चलो टोटल दिया होता ये पूछा होता तो कैसे करते फिर, अगर अगर हमें ये वाली चीज नहीं दी होती, अगर उसने हमें कुल दिया होता तक कि कुल 8.5% का लाभ हो रहा है,
तो बताइए तीन सीएफएलओ को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचा गया। अगर उसने हमसे ये पूछा होता, यहां पर दिया होता कि कुल उसे 8.5% का लाभ हुआ, तो मैं क्या करता, तो मैं पहले यहां बना लेता कि भाई टोटल 8.5% से हमें टोटल कितना परसेंट लाभ चाहिए, 85% चाहिए। 85% में से 70% यहां से ले लिया तो बाकी यहां से मिलेगा, तो 85 में से 70 को माइनस करेंगे तो बाकी का कितना 15% चाहिए। कितने सीएफएलओ पर, तीन पर, तो एक को कितने पर बेचना पड़ेगा, 5% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो इसका आ गया। तो कुछ भी दिया हो, या तो इधर वाले में परसेंटेज प्रॉफिट या हानि देकर पूरा टोटल पूछ सकता है, या टोटल देकर इनमें से किसी एक में पूछ सकता है। करने का तरीका नहीं बदलेगा, जिसमें दिया है लाभ हानि उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां 7 पर दिया था तो उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, कुल दिया था तो कुल में मल्टीप्लाई कर दिया, इसका निकालना था तो घटाकर कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही ये जो है, ये मैंने आपको जो कराया है, इसी को मैं अब आपको, आर्टिकल तो आपके समझ में आगे होंगे, क्लियर समझ में आगे प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को इधर, देखो सीपी वाले को इधर लेके आता हूं, जो मैंने आपको कॉस्ट प्राइस वाला बताया है उसको मैं इधर आपको समझाता हूं। पहले सारी चीजें बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाए ना, तो क्वेश्चनों को करना तो भाई बहुत आसान है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के, आपका जो विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा इसी चीज में कंफ्यूजन रहता है कि सर क्वेश्चन वो इतने लेंदी आ रहे हैं, यहाँ पर इतना लेंदी क्वेश्चन मिला सर मुझे, इस किताब में इतना लेंदी, उसके नोट्स में इतने बड़े, उस क्वेश्चनों की कोई भी लेंदी और उससे कोई, भाई जैसे जैसे क्वेश्चन में आप लैंग्वेज ऐड करते चलोगे वैसे वैसे क्वेश्चन लेंदी होता चला जाएगा, लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलेगा। कंसेप्ट जैसा है सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। इसी भाग में मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूंगा कि जिसको करते करते आपको कैलकुलेशन पूरा पेज भर जाएगा, और इसी में ऐसा क्वेश्चन बना दूंगा जो सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। तो बस आप उस कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन बनाना कैसे है, क्वेश्चन आएगा कैसे, उस चीज को समझिए, वो चीज इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन तो फिर आप किसी भी किताब से कहीं से भी उठा लो, सारे निकलेंगे अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। बस उसको समझ के चलिए भाई। देखो अब यहां पर इस बात को मैं समझाता हूं, यहां पर हमें टीवी फ्रिज और प्रेस सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जब हमें अलग अलग आर्टिकलों पर लाभ या हानि दिया हो, कुल पूछा हो या कुल देकर किसी एक पर पूछा हो, तो सबसे पहला काम हमारा होता है सीपी का रेशियो बनाना। तो सबसे पहले हम टीवी रेशियो फ्रिज और रेशियो प्रेस तीनों के क्रय मूल्यों का रेशियो बनाएंगे भाई। तो टीवी का क्रय मूल्य कितना है भाई, तो टीवी का क्रय मूल्य है 20,000। फ्रिज का क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर फ्रिज का क्रय मूल्य है 15,000। मैं पूछूं बताइए प्रेस का क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर प्रेस का क्रय मूल्य है 5,000। और टोटल कितना बन रहा है अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप कहेंगे 5, 15, 20 और 20 40,000 बन रहा है सर, 40,000 बन रहे। तो यहां पर कैलकुलेट कर लो, तो 3 0 3 0 3 0 सब में कैंसिल हो गई, और 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 3 बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 1 बार, और देखो ये बन गया रेशियो 4:3:1:8। तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, सबसे पहले हमको क्रय मूल्यों का रेशियो बनाना है। फिर क्या करना है, फिर देखना है किस चीज को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचा गया है। तो टीवी को 10% लाभ पर बेचा गया है, तो टीवी का रेशियो कितना है 4, तो 4 में 10% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब टोटल लाभ यहां से कितना कमा लेगा, तो आप कहेंगे सर 40% का। प्लस और माइनस लगाना ना भूलें, अगर लाभ है तो प्लस लगा के लिखें, हानि है तो माइनस लगा के लिखें, ये चीज ना भूलें, अदरवाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा भाई। उसके बाद फ्रिज को 10% हानि पर बेचा गया है, तो फ्रिज को 10% लॉस पर बेचा गया है, तो माइनस का 10%, 10% का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर उसको 30% से हानि हो जाएगी। उसके बाद प्रेस को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, प्रेस का रेशियो 1 है और इसे 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 20% लाभ पर बेचेंगे तो यहां से उसको लाभ हो जाएगा प्लस का 20%। अब उसके बाद ओवरऑल निकाल लो, ओवरऑल निकालेंगे तो देखो 40 और 20 60 का लाभ और 30 की हानि, तो ओवरऑल कितना हो गया, सबको जोड़ दो, 30% का लाभ हो गया ओवरऑल, कितने भागों में, 8 में, इससे डिवाइड करना ना भूले, परसेंटेज में बता चुका हूं, परेशानी नहीं आनी चाहिए। करेंगे 2 से 4 बार, 2 से करेंगे 15 बार, 4 से कैंसिल करेंगे 4 3 12, 3 बचेगा 30, 4 7 28, 4 5 20, 3.75% आप मैच करके देख लो भैया, 3.75% आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने जो ये इतनी बड़ी चीज थी उसको कितने से कम जगह में इसको मैंने सॉल्व कर दिया, यही बस तरीका आपको आना चाहिए। ये जो चीज है जो मैंने एक्सप्लेन करके आपको अलग अलग बताई कि टीवी का मूल्य इतना है, फ्रिज का इतना है, उस पर लाभ निकालेंगे, तो लाभ कैलकुलेट करने का तरीका पीछे वाली क्लास में बता चुका हूं, तो ये नहीं पता लगना किसी विद्यार्थी को, यह डाउट नहीं होना चाहिए कि ये 2,000 कहां से आया भाई, 10% निकाला है 20,000 का, क्यों, क्योंकि लाभ को सीपी पर कैलकुलेट करते हैं इसलिए 2,000 आया है। तो ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस की 4 क्लास हो चुकी है, उनको बातों को दोबारा से रिपीट करने का कोई भी आपका वो नहीं होना चाहिए। तो देखो 3.75% मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा तरीका बिल्कुल सही है। तो
अब हमें ये तरीका कहाँ कहाँ लगाना है, जहां पर अलग अलग चीजों के क्रय मूल्य अलग अलग हो, उन पर होने वाले लाभ हानि दिए हो, कुल पूछा हो या कुल देकर किसी एक पर पूछा हो। उसके अलावा आर्टिकलों की संख्या, अभी सेकंड वाला हमने पढ़ा था, आर्टिकलों की संख्या हमें दी हो, उन आर्टिकलों को एक साथ हमने खरीद लिया, फिर उन आर्टिकलों को अलग अलग बेचा जा रहा है। जैसे मान के चलो सेब खरीद लिए 5 किलो एक साथ, 2 किलो अलग भाव पे बेच दिए, 2 किलो अलग भाव पे बेच दिए, 1 किलो अलग भाव पे बेच दिए, तो उन सब पर फिर लाभ कितना हुआ, ये वाली चीज है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं तभी क्वेश्चन बनते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि हम पे बहुत सारी चीजें होती हैं ना, नंबर हम पे बहुत ज्यादा होते हैं, तो जैसे जैसे हमारा पड़ता जाता है वैसे वैसे चीजों को बेच देते हैं। मान के चलो मेरे पास 10 टीवी है, अब उन 10 टीवियों को मैं बेच रहा हूँ, किसी को लाभ पे बेचा, किसी को हानि पे, तो लास्ट में अगर मुझे वो बेचनी बेचनी है तो फिर जैसे मैंने पहले लाभ कमा लिया बहुत सारा, तो मैं ये सोचूंगा ठीक है इस पर लाभ भी ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पहले इतना लाभ कमा लिया, तो मैं उसको ऐसे सेल कर दूंगा। तो इसलिए ये जो आर्टिकल है इनको अलग अलग लाभ हानि पर बेचा जाता है, तो हमें फिर निकालते हैं कि कुल कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ। तो वहां पर हम क्वेश्चनों को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं सारी बातें बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आई होंगी। अब हम इस टाइप के क्वेश्चनों पर चल सकते हैं, तो चलते हैं आज की क्लास के क्वेश्चनों पर। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो चीजें हमने कंसेप्ट में समझी हैं उन चीजों को और बेहतर तरीके से हम क्वेश्चनों के जरिए समझेंगे। ठीक है, तो देखेंगे बेटा पहला क्वेश्चन, मैं पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपको क्वेश्चन यहां पर दिखने लग गया होगा, देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 991 वस्तुएं 6100 रुपए में खरीदता है और कुल वस्तुओं का 3/4 भाग 17% हानि पर बेचता है, तो बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए ताकि कुल सौदे में न लाभ हो न हानि। क्वेश्चन में ये कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने कंसेप्ट बताया पहले उसी पर आधारित है। देखेंगे बेटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसको आप आराम से समझेंगे, फिर उसके बाद जब मैं बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट कराऊंगा तब आप उन पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले से कराता रहा हूं, पढ़ाता रहा हूं, तो आपको तो समझ में आ गया होगा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। पहले आपको कंसेप्ट समझाना, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाना, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर। तो उसमें कह रहा है कि एक जो व्यक्ति है उसने 991 आर्टिकल खरीदे और 6100 रुपए में खरीदे, ये कह रहे हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझेंगे, 6100 रुपए में खरीदे, फिर उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि उसने कुल वस्तुओं के 3/4, मतलब कुल आर्टिकलों का 3/4 भाग उसने 17% हानि पर बेचा, उसने क्लियरली कहा है 17% हानि पर बेचा, तो शेष भाग को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि कुल लाभ कुल मिलाकर उसे न लाभ हो न हानि, ये क्वेश्चन है। तो देखो पहली बात, सबसे पहली बात, क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको ये समझ आनी चाहिए, मैंने आपको परसेंटेज में भी ये वाली बात बताई थी कि जब कभी भी हमसे लास्ट में क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में पूछा हो या रेशियो में पूछा हो तो परफेक्ट मान का क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई भी मतलब नहीं होता है। तो यहां पर भी उसने आंसर परसेंटेज में पूछा है, तो ये 9100 और 6100 से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी हेल्प नहीं लेनी है। क्वेश्चन को सॉल्व कहां से करना है बेटा, यहां से करना है। तो यहां से करने के लिए मैंने आपको पीछे कंसेप्ट बताया, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कितने परसेंट लाभ पर बेची गई है, उसका रेशियो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह रेशियो बनाना है कि कितना आर्टिकल और कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचा गया है। तो यहां पर उसने कहा है 3/4 को 17% हानि पर बेचा गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कुल जो मात्रा है, कुल जो आर्टिकल है या कुल जो आर्टिकल है 991, अगर वो 4 रेशियो होंगे तो उनमें से 3 को 17% हानि पर बेचा गया है। तो इसका मतलब ये बन गया कि टोटल जो आर्टिकलों का रेशियो है वो 4 होगा, उसमें से 3 को 17% हानि पर बेचा गया, तो शेष कितने बचे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो बाकी का जो रिमेनिंग बचा भाई 1। इस 1 का उसने पूछा है, उसने यही हमसे पूछा है कि बताइए शेष आर्टिकल को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचा जाए ताकि उसे कुल ट्रांजैक्शन में न लाभ हो न हानि, बस रेशियो बन गया। रेशियो बनाने के बाद क्या करना है, रेशियो बनाने के बाद हमें देखना है कि कौन से भाग को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचा गया है। तो 3/4 को 17% हानि पर बेचा गया है, मतलब 3 रेशियो को 17% हानि पर बेचा गया है, माइनस मल्टीप्लाई 17% हानि पर बेचा गया है, तो 3 भागों में यहां से कुल कितनी हानि हो जाएगी, तो 17% की हानि हो रही है 3 भागों में, तो 17 51 यहां से हानि हो जाएगी माइनस 51% की,
यहाँ पर हमें उसने पूछा है कि कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचना होगा ताकि कुल ट्रांजैक्शन में न लाभ हो न हानि। तो होल ट्रांजैक्शन में न लाभ हो न हानि का मतलब 0% प्रॉफिट, 0% लॉस। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है वो 0% आना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट 0% कब आएगा, जब यहाँ पर जितने परसेंट की हानि हुई है उतने का यहाँ लाभ हो, क्योंकि भाई प्लस माइनस से ही तो कैंसिल हो सकता है, प्लस माइनस से ही तो कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर 51% की हानि हुई है तो यहाँ पर कितने परसेंट का लाभ होना पड़ेगा भाई, 51% का। तो एक तरीका तो समझने वाला ये है, एक तरीका तो इस बात को समझने वाला ये है कि कुल ट्रांजैक्शन में न लाभ हो रहा है न हानि, मतलब 0% चाहिए। तीन भागों पर 51% की हानि हुई है तो इस एक भाग पर 51% का लाभ होना चाहिए, क्योंकि ये हानि है तो यहाँ लाभ होगा, तभी वो 0% हो पाएगा टोटल मिलाकर। या तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कि चार भागों में 0% चाहिए हमें रिजल्ट और तीन में 51% है, तो एक का निकालेंगे तो चार में से तीन को घटा देंगे। चार में से तीन को घटाएंगे तो जब मैं 0% में से माइनस करूंगा, माइनस का 51%, तो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जीरो में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस आपका 51%। और टोटल भाग कितने हैं, इसका मतलब जो भाग बचे हैं वहां से हमें 51% लाभ कमाना है। और भाग कितने बचे हैं, एक, तो एक भाग से डिवाइड करना ना भूलें। अब एक से डिवाइड करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 51% लाभ, 51% प्रॉफिट। लाभ हम इंग्लिश में कह सकते हैं इसी चीज को, प्रॉफिट, जो कौन सी ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन पे दिया है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें जो रेशियो दिया है, जो ये दिया है फ्रैक्शन, उससे रेशियो बनाना होता है। यहां पर जो नीचे वाली वैल्यू है ये टोटल होती है, ऊपर जितना सेल हो गया इतने परसेंट लॉस पर वो, जैसे भाग में मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि फ्रैक्शन में कोई भी मान लिखा होता है तो ओरिजिनल वैल्यू या कुल वैल्यू हमेशा नीचे आती है और जो कहता है वो ऊपर आता है। तो उसने क्या कहा है इस लैंग्वेज में, यहां पर उसने कहा है 3/4 भाग को 70% हानि पर बेचा गया। तो 3/4 भाग का मतलब ये है कि टोटल जो चार भाग होंगे उनमें से तीन को 70% हानि पर बेचा गया है, वही मैंने किया है। देखो तीन को 70% हानि पर बेच दिया, बाकी बचा कितना, एक, और टोटल कितना है, चार, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस की बात कर रहा है। न लाभ न हानि का मतलब 0%। देखो अगर माइनस कहेंगे तो हानि, प्लस कहेंगे तो लाभ, और 0% कहेंगे तो न लाभ न हानि, ये वाली चीज। तो आंसर आ गया हमारा 51% लाभ। यदि ये लास्ट जो एक रेशियो चीज बची है इसको 51% लाभ पर बेचेगा तो इसमें उसे ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। टाइप कोई आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में हम पहले पढ़ चुके हैं तो नया टाइप नहीं है, आसानी से समझ में आया होगा। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पे दिखने लग गया होगा। क्वेश्चन को पढ़ें और करने की कोशिश करें, सेम है तो करने की कोशिश करें भाई, अगर अलग होता तो मैं बोलता। देखो दूसरे क्वेश्चन को क्या कह रहा है इसमें, एक बार मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूं। एक व्यक्ति एक्स रुपए में 899 वस्तु खरीदता है और कुल वस्तुओं का 2/7 भाग 12.5% हानि पर बेचता है, बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल सौदे में न लाभ हो न हानि हो, ये बोला है। ये सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं, अब उस चीज को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एक्स रुपए में उसने कितने आर्टिकल खरीदे उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने हमसे उत्तर जो है वो परसेंटेज में पूछा है, बस हमें मतलब किससे है, जो भाग सेल हुआ है उससे। तो उसने कहा है सेकेंड क्वेश्चन में कि 2/7 भाग को, 2/7 भाग को 12.5% हानि पर बेचा गया, तो 2/7 भाग को बेचा गया 12.5% की हानि पर, हानि का मतलब लॉस पर, हानि का मतलब क्या है भैया, लॉस पर बेचा गया। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है शेष को कितने परसेंट लाभ हानि पर बेचें ताकि होल ट्रांजैक्शन में न लाभ हो न हानि। तो क्वेश्चन का जो ऊपर एक्स रुपए, एक्स आर्टिकल,
दिए हैं कुछ रुपए में, उनका क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई भी मतलब नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर हमसे परसेंटेज में पूछा है। तो देखो 2/7 भाग, तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए? नीचे वाली जो वैल्यू है वो टोटल होती है, तो टोटल भाग आप कहेंगे कि सर 7 हो गए। 7 में से सेल कितने हो गए? तो आप कहेंगे कि सर 2 सेल हो गए 12.5% हानि पर। अब मैं कहूं आपसे कि बताइए शेष कितने बचे, तो 7 में से 2 सेल हो गए तो कितने बचे? 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5। अब उसके बाद बस ये देखना है, रेशियो बन गया, रेशियो बन गया। अब रेशियो के बाद हमें ये देखना है कि कौन से भाग को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचा गया है। तो 2/7 को, मतलब 7 में से 2 को 12.5% हानि पर बेचा है, तो 2 भाग को बेचा गया है 12.5% की हानि पर, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस 12.5%। माइनस क्यों? क्योंकि हानि है, अगर लाभ होता तो मैं प्लस का मल्टीप्लाई करता। तो 12.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 25%। एक भाग में 12.5% की हानि है, 2 भाग सेल करे हैं, तो यहां से कुल 25% की हानि हो जाएगी। अब उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, तो बताइए शेष को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचा जाए। मतलब हमें इस 5 भाग को बताना है, यहां पर हमें बताना है तो शेष को कितने परसेंट लाभ हानि पर बेचा जाए या लाभ पर बेचा जाए, ताकि कुल ट्रांजैक्शन में न लाभ हो न हानि, न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब हो गया होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट 0% रहना चाहिए। तो ये जो है 0% रहना चाहिए। अब ये 0% कब रह सकता है? जब यहां पर जितने की हानि हुई है यहां पर उतने का लाभ हो। अगर यहां पर लाभ होता तो यहां हानि, सीधी सी बात है, क्योंकि ये 0 इन दोनों को ऐड करने पर 0 तभी बन सकता है जब जितना यहां निगेटिव हो उतना यहां पॉजिटिव आए और जितना यहां पॉजिटिव हो इतना नेगेटिव है। या इसी बात को अगर हम लाभ और हानि में कहूं तो जितने की यहां हानि हो उतने का यहां लाभ हो जाए और जितने का यहां लाभ हो उतने की यहां हानि हो जाए। तो यहां पर 25% का हो रहा है भाई लॉस, तो यहां पर 25% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब इस 5 भाग पर होना चाहिए 25% का लाभ। लाभ का मतलब प्लस, 5 भागों में 25%, तो इसको एक भाग में बांटेंगे तो कितने परसेंट हो जाएगा? तो आप निकालेंगे तो आ जाएगा 25% प्रॉफिट को भाग से डिवाइड करना ना भूलें आंसर करने से पहले। 5 से भाग देंगे तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 5% लाभ। इसका मतलब जो उसके पास 5 भाग बचे हैं उनको इसे 5% लाभ पर बेचना पड़ेगा, तो कुल ट्रांजैक्शन में ना लाभ होगा ना हानि, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन पर दिया है भाई ये? तो ये दिया है हमें सी ऑप्शन पर, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन हो गया भाई सी, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना। अब एक और क्वेश्चन होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए सेम ऐसा ही, उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा थर्ड क्वेश्चन। मैं पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 8,993 रुपए में 578 वस्तुएं खरीदता है और कुल वस्तुओं का 6/11 भाग 16.66% हानि पर बेचता है, 16.66% हानि पर बेचता है। बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल सौदे में न तो लाभ हो और न ही हानि हो, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। बिल्कुल जो मैंने पीछे आपको दो क्वेश्चन कराए हैं उसी प्रकार का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। तो उसने कहा है 8,993 में 578 वस्तुएं, तो सबसे पहले देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सबसे पहली बात क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, तो आप कहेंगे कि सर जो ऊपर दिया है 8,993 और 578 उसका क्वेश्चन के सोल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस लाइन को बिल्कुल भूल जाएंगे, आगे चलेंगे। आगे उसने कहा है कि 6/11 भाग को, उसने आगे कहा है कि 6/11 भाग को, 6/11 भाग को बेचा गया है 16.66% के लॉस पर, तो शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल ट्रांजैक्शन में न लाभ हो न हानि, ये है बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना देते ही क्वेश्चन सॉल्व, इतना दिया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? 11 टोटल हो गए उसमें से 6 सेल हो गए, तो शेष कितने बचे? तो शेष कितने बचे भाई? 5 बचे, ये तो रेशियो बन गया। उसके बाद इस 6 को 16.66% लॉस पर, तो यहां से बस एक बात, ये क्वेश्चन आपको एक बात समझाने के लिए मैंने डाला है। मैं आपको स्टार्टिंग से परसेंटेज, जब से मैंने शुरू किया है तब से आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि जब हमें परसेंटेज परफेक्ट में दिया हो, जैसे 10% दिया हो, 20% दिया हो, 30% दिया हो या 25% दिया हो, तो हम क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब परसेंटेज से भी लेके चल सकते हैं और इनके फ्रैक्शन भी 1/10, 1/5, ये चीज भी लेके चल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर हमें जो परसेंटेज है वो पॉइंट में दिया हो 16.66%, 14.28% या 7.14 8%, ऐसे अगर हमें दिए हैं तो
तो उस केस में कभी भी क्वेश्चन को परसेंटेज से सॉल्व नहीं करना चाहिए, उस केस में हमेशा क्वेश्चन को हमें फ्रैक्शन से अप्रोच करना चाहिए, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, ऐसे करके क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, बता चुका हूं। तो वही चीज सेम यहां पे, यहां पे हमें जो 16.66 दिया है ये परसेंटेज पॉइंट में दिया है, तो हम यहां पर फ्रैक्शन से चलेंगे। बस सॉल्यूशन पर क्या फर्क पड़ेगा कि यहां पर जो हम भाग में परसेंटेज का मल्टीप्लाई करते थे उसकी जगह फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर भी फ्रैक्शन में आएगा, उसको परसेंटेज में बाद में बना लेंगे। तो यहां पर 6 भाग को इतने परसेंट लॉस पर बेचा है 16.66%, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू का, तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, 1/6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा रिजल्ट -1। उसके बाद उसने कहा है कुल ट्रांजैक्शन में ना लाभ हो ना हानि का, मतलब 0% भाई फ्रैक्शन 0 का तो 0 ही रहेगा, तो 0 करने के लिए यहां पर जब -1 है तो यहां पर कितना लेना पड़ेगा +1, और कितने भागों में 5 भागों में, तो फ्रैक्शन कितना बनेगा +1/5, लेकिन हमें परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ जाएगा 20% लाभ। लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां पर बस यही बात, कैलकुलेशन को कैसे कम करना है, कैलकुलेशन को कैसे काटना है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, कहां पर हमें फ्रैक्शन से जाना है, कहां पर परफेक्ट में जाना है। तो आपने इससे पीछे वाले दोनों क्वेश्चनों में देखा होगा मैंने सीधा परसेंटेज का भाग में मल्टीप्लाई कर दिया था, वो क्यों कर दिया था, क्योंकि परसेंटेज पूरा था, परफेक्ट था, मुझे फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यहां पर मुझे परसेंटेज परफेक्ट में नहीं दिया था, इसलिए मैंने, मुझे पता था कि अगर मैं 16.66 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो कैलकुलेशन को कम करने का सबसे आसान तरीका यह है कि पॉइंट नहीं आना चाहिए और बटे नहीं आना चाहिए, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो पॉइंट को हटाने के लिए मैंने क्या किया, फ्रैक्शन वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर जो -1 आ रहा है ये फ्रैक्शन ही आ रहा है, और यहां पर 0 चाहिए तो यहां पर +1 चाहिए, +1 5 भागों में चाहिए तो 1 में निकालेंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/5, ये फ्रैक्शन आ गया, लेकिन हमें आंसर करना है परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन से परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 20% प्रॉफिट। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो बस यहां से इस क्वेश्चन को डालने का जो मेरा मेन उद्देश्य है वो ये है कि आपको फ्रैक्शन वैल्यूज में जब परसेंटेज आ जाए तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ₹4,530 में 1596 वस्तुएं खरीदता है, 608 वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है, 456 वस्तुओं को 20% हानि पर बेचता है, बचे हुए भाग को कितने % लाभ या हानि पर बेचा जाए ताकि कुल सौदे में न लाभ हो न हानि। अभी तक पीछे वाले जो क्वेश्चन थे उनमें जो चीजों को भागों में बेचा जा रहा था, एक भाग को सेल कर दिया, 5 भाग को सेल कर दिया, 2 को सेल कर दिया था, तो वहां क्वेश्चन को भागों से सॉल्व करते थे, लेकिन यहां पर आर्टिकलों को सेल किया जा रहा है, करने का तरीका नहीं बदलेगा, बस रेशियो बनाने का तरीका बदलेगा। कैसे बनाएंगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो फोर्थ क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखो बहुत आसान है। उसने कहा कि एक व्यक्ति ने 4530 में, 4530 में उसने आर्टिकल खरीदे हैं, कितने आर्टिकल खरीदे, 1596 आर्टिकल उसने खरीदे हैं, फिर उसके बाद इन आर्टिकलों को अलग अलग बेचा है। अगर इन 1596 टोटल आर्टिकलों को वो एक ही प्राइस पर सेल करता तो हमें इस भाग को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब सारी चीजें जो इस संसार में सेल की जाती हैं लाभ हानि में, उनको एक ही रेट पर अगर सेल कर दिया जाता तो हमें इस भाग वाले टाइप को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक सब्जी वाला बहुत सारी सब्जी खरीद लाया और वो उसको एक ही रेट पर बेच देता तो फिर क्वेश्चन ये बनेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब किसी चीज को ज्यादा मात्रा में खरीदकर उसको अलग अलग भागों में अलग अलग लाभ हानि पर बेचा जाए, तभी ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखो यहां पर 1596 आर्टिकल है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 608 वस्तुओं को 25% लाभ पर। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी पीछे जब अगर आया था तो एक तो बताया था कि सीपी का रेशियो बन के आ सकता है, एक भाग आ सकता है, और एक आपको बताया आर्टिकलों की संख्या। तो आर्टिकलों की संख्या वाले में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकलों की संख्या का जो रेशियो होता है वही आर्टिकलों के क्रय मूल्यों का रेशियो बन जाता है। तो बस हमें यहां इस क्वेश्चन में यह पता करना है कि कितने आर्टिकल और कितने % लाभ हानि पर बेचे गए हैं। तो उसने क्वेश्चन में दिया है कि 608 वस्तुओं को 25% लाभ पर, तो 608 आर्टिकल तो भाई 25% लाभ पर बेचे गए हैं, रेशियो बनाएंगे तो रेशियो लगा लेंगे। उसके बाद 456 को 20% हानि पर,
तो 456 आर्टिकल 20% हानि पर बेचे गए, इसको बाद में देखते हैं। उसके बाद शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए ताकि कुल सौदे में न लाभ हो न हानि, मतलब टोटल आर्टिकलों की संख्या कितनी है 1596। तो सबसे पहले तो यहाँ शेष आर्टिकल निकालो, शेष आर्टिकल कितने होंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल आर्टिकलों की संख्या में से इन दोनों को जोड़कर घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने आर्टिकल चले गए भाई, तो यहाँ पर अगर मैं आर्टिकलों की संख्या निकालूंगा तो 1596 टोटल आर्टिकल में से 456 और 800, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 600 और 400 कितने हो गया भाई 1000 हो गया, 1064, तो 1064 हो गया, 1064 हो गया, इसमें से माइनस करेंगे 2 बचेगा 3 बचेगा, 532 आर्टिकल शेष बचे। ये आर्टिकलों पर हमें उसने लाभ हानि पूछी है। उसके बाद कभी भी जैसे आर्टिकलों की संख्या बड़े अक्षरों बड़े नंबरों में आ रही है, 1596 ऐसे आ रही है, तो जब बड़े नंबरों में आए तो पहले इसको काट के आसान कर लो, क्योंकि रेशियो में हम कोई भी वैल्यू काट सकते हैं, तो काट के आसान कर लेते हैं। तो देखो 4 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 4 से एक बार कटेगा, 4 पंजे 20, 4 दुनिया 8 152 बन जाएगा, 4 से इसको कैंसिल कर लेंगे 1 और 114 बन जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 1 4 3 12 133 बन जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 4 3 12 3 बचेगा 4 9 36 399 बन जाएगा, ये बन गया। अब उसके बाद ये कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि सारे कैंसिल होने चाहिए। अब देख लो उसने कहा है 608 को 25% लाभ पर, तो 152 आर्टिकल का रेशियो है और 25% लाभ पर बेचा गया है, तो मल्टीप्लाई 25% से कर दिया। मैं चाहूं तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं अगर फ्रैक्शन से चलूं तो, लेकिन परसेंटेज परफेक्ट में है तो मैंने सोचा सीधा परसेंटेज से ही कर लेते हैं, आप फ्रैक्शन से घर पर बैठ के करके देख लेना, ठीक है बेटा। फिर 20% हानि पर बेचा गया इसको, तो इसको 20% लॉस पर बेचा गया, तो -20%, और कुल ट्रांजेक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब 0%, मतलब टोटल रिजल्ट तो भैया 0% चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहां करते हैं 25 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 25 दूनी 50 0 5 125 30 13 50 0 5 25 पंजे 125 और 5 जोड़ेंगे 130, तो 0 13 और 25 और 13 3800% का लाभ हो गया इन पहले वाले 608 आर्टिकलों पर। यहां पर निकालेंगे तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 228, मतलब 2280% की हानि हो गई यहां पर भाई, 2280% की यहां हानि हुई, यहां पे हुआ लाभ, टोटल रिजल्ट 0% चाहिए। इसका मतलब पहले तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, तो 3800 में से अगर इसको मैं घटा दूं तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, तो 3800 में से इसको घटा देंगे तो ये 0 हो गया, 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो गया 2 हो गया, यहां पर 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 5 हो जाएगा, 1520% का लाभ हो रहा है। अब जब यहां पर 1520 का लाभ हो रहा है तो यहां पर 1520 को हानि होनी चाहिए, तभी ये जीरो हो सकता है, या 0% में से इसको घटा दो, सीधी सी बात है मैंने बता दिया है। तो यहां पर जो 1520% का लॉस हो रहा है, यहां पर उतने परसेंट का लाभ, यहां पर अगर लाभ हो रहा है ना, देखो प्लस है तो लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर इन आर्टिकलों पर हमें उतनी ही परसेंट की हानि लेनी पड़ेगी। तो 1520% लॉस कितने हैं टोटल 133 से दे देंगे भाग, 133 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11.42%, जो ए ऑप्शन पे है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ए ऑप्शन पे है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आर्टिकलों की संख्या पर आधारित क्वेश्चन था, और आर्टिकलों की संख्या पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या करना होता है। सबसे पहले ये पता करना होता है कितने आर्टिकल कितने परसेंट लाभ हानि पर बेचे गए, उनका रेशियो बना लेना है, उसके बाद जितने आर्टिकलों को जितने परसेंट लाभ हानि पर बेचा उसका मल्टीप्लाई करते चलना है। जैसे यहां पर 25% तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां 20% लॉस था मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। और करने का तरीका वही, होल ट्रांजैक्शन के रिजल्ट सभी अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें सब में उसने यही दिया है कि न लाभ हो न हानि का मतलब 0% रहना चाहिए। अगर यहां पर कह देता कि 2% लाभ हो तो 2 का मल्टीप्लाई कर देता, मैं कहता 2% हानि हो तो -2 का मल्टीप्लाई कर देता, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है उसका मल्टीप्लाई कर देना है। यह नहीं सोचना कि सर आपने हर एक क्वेश्चन में न लाभ और न हानि बोला है, अगर यहां पर उसने मान के चलो 1% लाभ बोल दिया होता तो क्या करते, तो बस 1% लाभ का मल्टीप्लाई कर देते, 399% आ जाता, फिर इसमें से इसको घटा के निकाल लेते कि यहां क्या चाहिए। अभी आगे और क्वेश्चन आ जाएंगे उनसे पता लग जाएगा, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन, आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा 5th क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना सबसे पहले जरूरी है, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप का है, उसको हमें कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो देखो 5वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 99 रुपए में 980 वस्तुएं खरीदता है, कुछ कारणों की वजह से कुल वस्तुओं का 2/11 भाग नष्ट हो जाता है,
और 66.66% भाग 18.18% लाभ पर बेचता है तो बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में न तो लाभ और न ही हानि हो, ये क्वेश्चन कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको और एक और चीज अच्छी सीखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा आपने, चलें आगे क्वेश्चन में। ठीक है, देखो आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। 999 रुपए में 980 वस्तुएं खरीदता है और लास्ट में आंसर हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है, इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं, इस लाइन को भूल जाएंगे। आगे चलते हैं। कुछ कारणों की वजह से 2/11 भाग नष्ट हो जाता है, 2/11 भाग आपका जो है वो वेस्ट हो गया, उसने कहा है नष्ट हो जाता है। उसके बाद उसने कहा है और 66.66%, तो 66.66% 66.66% भाग वो बेचता है 18.18% के प्रॉफिट पर। बात को समझते चलना भाई, ये तो हो गया वेस्ट, इतने को इतने परसेंट लाभ पर बेचता है, तो बचे हुए भाग को कितने परसेंट लाभ आ रहे पर बेचा जाए ताकि कुल सौदे में न लाभ हो न हानि, ये क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब कभी भी कोई भी चीज वेस्ट हो जाती है तो पहले तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी कोई भी चीज वेस्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, इसका मतलब उसमें हमने जितना भी पैसा लगाया पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है। इसका मतलब उस केस को मैं अगर अपनी भाषा में कहूं तो ये भी कह सकता हूं कि वेस्ट का मतलब होता है 100% हानि, उसका पूरा पैसा डूब गया, पूरा पैसे का मतलब 100% लॉस हो गया। तो जब कभी भी कोई भी आर्टिकल वेस्ट हो रहे होंगे तो वहां पर आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि 100% की हानि हो रही है। मतलब वेस्ट होने का मतलब आर्टिकलों का वेस्ट होना या खराब होने का मतलब है भैया 100% लॉस, -100%, ये ध्यान रखना है बस आपको। तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब देखो 2/11 भाग वेस्ट हो गया 66.66%, तो पहले 66.66% का फ्रैक्शन मान बना लें, तो 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। तो जब कभी भी एक ही क्वेश्चन में आपके अभी तक पीछे वाले में केवल हमें एक ही भाग दिया होता, जब कभी भी एक ही क्वेश्चन में अलग अलग भाग दिए हो, जैसे यहां पर 2/11 दिया है एक भाग वो वेस्ट हो गया है, फिर दिया 2/3 और उसको इतने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है, तो उस केस में आपको टोटल भाग इस प्रकार से मानने हैं जिससे उसका 2/11 भी निकल आए और 2/3 भी आसानी से निकल आए। और उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा जो भाग में नीचे वाले नंबर हैं जैसे 11 है और 3 है, इन दोनों के मल्टीपल को आपको टोटल भागों की संख्या मान लेनी है। तो 11 और 3 का मल्टीपल कितना होगा 33। तो यहां पर कैसे भाग बनाएंगे, यहां पर भाग सबसे पहले नीचे वालों का जो मल्टीपल है उसको टोटल मान लेंगे, तो मान लेता हूं मैं टोटल 33 भाग है। अब 33 का 2/11 वेस्ट हो गया, तो 33 का 2/11, तो 11 में से 2 वेस्ट हो गए, तो 33 में से कितने वेस्ट हो जाएंगे। तो देखो मैं अगर इसको 33 बनाऊंगा, 11 को अगर मैं 33 बनाऊंगा भाई, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, तो 3 का यहां भी करना पड़ेगा, तो कितने भाग हो जाएंगे 6, तो 6 भाग हो गए वेस्ट, तो 33 में से 6 भाग हो गए वेस्ट। ठीक है, उसके बाद कितने बचे आगे देखते हैं। आगे 2/3, तो इसको भी 33 बनाना पड़ेगा क्योंकि भाई मैंने 33 भाग माने, तो 33 का 2/3 निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 2/3 3 से 11 बार कट जाएगा, 11 2 22, या आप ऐसे समझ लो कि इसको 33 बनाने के लिए 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 का यहां भी करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि 33 में से 6 भाग वेस्ट हो गए, 33 में से 22 भाग इतने परसेंट लाभ पर बेच दिए, तो 33 में से 22 भाग जो है वो इतने परसेंट लाभ पर बेच दिए, तो 12 और 6 कितना हो गया 28, तो शेष कितने बचे, तो 33 में से 12 6 28 को घटा देंगे तो बाकी के कितने बचे 5, ये हमारा रेशियो बन गया। तो सबसे पहले जब कभी भी, जैसे यहां पर तो 2 दिए हैं, हो सकता है 3 भी दे, हो सकता है 4 भी दे, अलग अलग 5 भाग दे जो अलग अलग बेचे जा रहे हैं, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में भागों की संख्या ऐसी माननी है जिसका ये भाग भी आसानी से निकल के आ जाए, ये भी आसानी से निकल के आ जाए, तो उसको मानने का
अच्छा तरीका क्या है, उसको मानने का अच्छा तरीका ये है कि फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यूज दिए हैं उनका एलसीएम हमेशा मान लो। तो 11 और 3 का मल्टीपल मान लो, वो 11 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। तो 33 का 2 बटे 11 कितना हो गया, 6 भाग निकल के आ गए। 2 बटे 3 कितना हो गया, 22। तो हमें सब पता लग गया कि ये तो 100% लॉस में गए हैं क्योंकि वेस्ट हो गए, ये लाभ पर गए हैं और इनको हमें निकालना है। होल ट्रांजेक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस। तो होल ट्रांजेक्शन में उसने कहा है ना लाभ हो ना हानि, तो पहले तो मैं यही मल्टीप्लाई कर लेता हूं, सबसे पहले तो यही मल्टीप्लाई कर लेता हूं 0% का, मतलब कुल रिजल्ट को 0% रखना है। उसके बाद चलते हैं आगे, 6 पर 100% का लॉस हो गया, तो इसका मतलब यहां पर हो गया -100% का लॉस। तो -100% मतलब 6 भागों में, तो यहां से हो जाएगी 600% की हानि टोटल। आगे 18.18%, हां देखो भाई ये 18.18%, इसका मतलब पॉइंट में बात आ गई है, तो इसका मतलब मुझे फ्रैक्शन से चलना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन से चलना पड़ेगा, तो यहां पर जो मैंने 100% में लिया इसको मैं फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में लूंगा तभी क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व होगा। तो 6 और 100% लॉस का मतलब -1 का मतलब -6, 18.18%। तो इसके लिए मैंने आपको एक फ्रैक्शन पढ़ाया है, मैंने याद भी कराया कि 9.09% जो होता है वो 1/11 होता है, ये इसका दो गुना है, देख लो दो गुना है, तो ये दो गुना बनेगा 18.18%, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 2/11। 2/11 लाभ की बात कर रहा है तो प्लस, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2/11, तो 2/11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 2 = 22 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 4। अब इन दोनों का रिजल्ट देख लो, तो यहां पर -6 यहां पर +4, तो इन दोनों का रिजल्ट कितना आया, -2। इसका मतलब -2 है, हमें 0 बनाना है, तो इधर कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर इधर आना चाहिए, -2 को अगर प्लस करना है तो यहां आना चाहिए +2। 5 भागों में +2 आएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2/5, और मल्टीप्लाई परसेंटेज बनाएंगे 100, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा +40%। इसका मतलब शेष भाग को 40% लाभ पर बेचना पड़ेगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 40% लाभ। तो जब कभी भी यहां पर ये पॉइंट जो है पॉइंट में परसेंटेज दिया हो, तो हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। मैंने 100% का फ्रैक्शन -1 से मल्टीप्लाई किया, हानि थी इसलिए माइनस लगाया, यहां पर लाभ था 2/11, तो मैंने प्लस से मल्टीप्लाई किया, यहां से +4 आया, यहां से -6 आया, लेकिन ये हमें टोटल सभी 0 आना चाहिए, तो यहां से -2 आ रहा है, तो इसको 0 करना पड़ेगा, तो इधर +2 लेना पड़ेगा। और इसी बात को अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसी चीज को कैसे समझ सकते हैं आप, इसी चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि यहां से -6, यहां से +4 और यहां से 0, तो अगर हमें ये निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, इस टोटल 33 में से ये और ये दोनों घटाने पड़ेंगे, तो टोटल 33 का कितना है 0, में से माइनस करना पड़ेगा 6, माइनस का 6 और प्लस का 4, ये माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से करेंगे तो 0 में से माइनस करेंगे 6 और 4 का रिजल्ट -2, और -2 और -2 कितना हो गया भैया +2, +2 5 भागों में, क्योंकि भाग कितने हैं देखो बाद वाले, 5 भाग से डिवाइड करना ना भूलें, और परसेंटेज बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ जाएगा 40%। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 6वां क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे दिखने लग गया होगा ये जो क्वेश्चन है, बिल्कुल जो मैंने आपको 5वां क्वेश्चन कराया है सेम उसी प्रकार का है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्वेश्चन को पढ़ के करने की कोशिश करें। मैं क्वेश्चन को एक बार बता देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, देखो क्या कह रहा है 6 क्वेश्चन में, एक व्यक्ति 2070 में 345 अंडे खरीदता है, कुल अंडों का 1/4 भाग खराब ढुलाई के कारण टूटकर नष्ट हो जाता है, 1/4 नष्ट हो गया मतलब वेस्ट हो गया, उसने बचे हुए अंडों का 70% भाग 30% लाभ पर बेचा, बचे हुए अंडों को वह कितने लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुल मिलाकर न तो लाभ हो और न हानि, बस वही है क्वेश्चन जो है। मैंने जो आपको 5वां क्वेश्चन कराया है सेम उसी प्रकार का, एक क्वेश्चन बता चुका हूं, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, वैसे ही आपको कर लेना चाहिए, नहीं कर पाए हैं तो देख लेंगे 6 क्वेश्चन। अब मैं इसको थोड़ा जल्दी बताऊंगा, 6 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 2070 में 345 अंडे, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आंसर परसेंटेज में पूछा है, 1/4 भाग खराब हो गया मतलब 1/4 पार्ट हो गया भैया वेस्ट, और वेस्ट का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वेस्ट का मतलब होता है 100% लॉस, -100%। उसके बाद उसने कहा है कि 70% बचे हुए अंडे का, एक बात और ध्यान रखना, पीछे वाले में जो फ्रैक्शन दिया था वो उसने 66.66% टोटल का ही दिया था, लेकिन यहां पर कह रहा है बचे हुए अंडों का, मतलब ये वेस्ट होने के बाद जो बचेंगे अगला भाग उस पर निकाला जाएगा, तो जो 70% हैं, बाद वाले जो 70% हैं इनको बेचा गया है
30% लाभ पर। यहां पर एक बात थोड़ी सी अलग है, उसको समझ लें बस। तो 30% लाभ पर जो 70% बेचे गए हैं वो टोटल वैल्यू का नहीं है, बचे हुए भाग का है, बचे हुए भाग का है, ये ध्यान रखना है आपको। जो 70% दिया है बचे हुए भाग का है। तो देखो 70% का पहले मैं फ्रैक्शन बना लेता हूं, तो 70% का फ्रैक्शन बनेगा 7/10। अब 10 और 4 से कटना चाहिए ऐसा नंबर मान लो, तो मैं 40 मान लूं, 30 मान लूं, जो मेरा मन हो वो मान लूंगा। तो 40 मान लेता हूं, तो टोटल भाग 40 मान लिए, तो 40 में से 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 10 हो गए वेस्ट। बाकी कितने बचे भाई, बाकी बचे 30 भाई, 40 में से 10 को घटा देंगे तो 30 बचे। ये जो 7/10 कैलकुलेट करेंगे, उसने कहा है, क्वेश्चन को पढ़ के देखो दोबारा, लैंग्वेज में पढ़ के देखो, मैं क्वेश्चन को लगा देता हूं एक बार और, देखो देखो क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन में कह रहा है वो कि उसने बचे हुए अंडों का 70% भाग, मतलब ये जो 7/10 निकालना है वो शेष अंडों का निकालना है। तो 40 में से 10 चले जाएंगे तो शेष कितने बचेंगे, शेष अंडे 30 बचेंगे। अब 30 का 7/10 भाग निकालना है, तो 30 का 7/10 कितना हो जाएगा, मतलब 21 अंडों को, तो ये हो जाएंगे आपके 21 अंडे। 21 अंडे और 10 कितने हो गए, 31, तो 40 में से बचे कितने, 9, रेशियो बन गया। रेशियो बनाने के बाद अब जितने परसेंट लाभ हानि पर बेचा गया उसका मल्टीप्लाई करते चलो। तो उसने कहा कुल मिलाकर ना लाभ हो ना हानि, मतलब यहां तो हमें रिजल्ट भाई 0% चाहिए, तो यहां पे तो चाहिए हमें 0%, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, यहां 0% चाहिए। 100% वेस्ट परफेक्ट में है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेते, तो -100% का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 1000% का लॉस हो जाएगा। ऐसे ही 21 पर 30% का प्रॉफिट है, तो 21 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 30% का, तो यहां से 630% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहां से निकालना है तो इन दोनों को पहले कैलकुलेट कर लो, तो इन दोनों को देखेंगे तो 1000 में से 630 को माइनस करेंगे तो 360% लॉस हो जाएगा। 360% लॉस हो रहा है इस टोटल पर, लेकिन यहां चाहिए 0, तो इसका मतलब जितना यहां लॉस हो रहा है उतना यहां प्रॉफिट चाहिए। तो इन 9 भागों में प्लस 360% चाहिए, और 9 भागों से डिवाइड करेंगे तो एक भाग में कितना चाहिए, तो आ जाएगा प्लस 40%, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 40% लाभ। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 1000 में से इसको माइनस करेंगे 21 को, 630 हो जाएगा 1/4 भाग, और उसने बचे हुए अंडों का 70% भाग 30% लाभ पर बेचा है, तो बचे हुए अंडों को वो कितने परसेंट लाभ हानि पर बेचे, कुल मिलाकर उसे न लाभ हो न हानि, ये कह रहा है। तो यहां से देखो ये जो है 1000 में से 630 को माइनस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो सॉरी ये गलत हो गया, ये आपका 370 आएगा, ये गलती हो गई है, इसीलिए ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है वो, इसीलिए क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो यहां पर गलतियां हो जाती हैं। देखो ये हो गया, अब ये 370% लॉस है, तो यहां पर हमें चाहिए 370% का लाभ, और 9 भागों पर, तो 9 से कर देंगे भाग, तो यह आ जाएगा 9 × 36, एक बचेगा 10, एक बार जाएगा 41, सही 1/9% लाभ, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कौन से ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले रेशियो बना लेते हैं। रेशियो बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है, यहां बचे हुए भाग का किया था, तो 7/10 जो है इसको निकालने के बाद जो बचेगा उस पर निकाला जाएगा। आप इस बात को, ये रेशियो बनाने का तरीका अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे 1/4 भाग वेस्ट हो गया, तो 1/4 वेस्ट हो जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 3, और फिर जो जो 7/10 है वो इस 3 का निकाला जाएगा, तो इसका 7/10 निकालने के लिए 10 से भाग देना पड़ेगा, तो यहां 0 में अपनी तरफ से बढ़ा लेता हूं, तभी तो ये 7/10 निकलेगा। अब इसका 7/10 निकालेंगे तो कितना हो गया, 21, ऐसे कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 टोटल हो गए 40, ये लिख लिए मैंने, उसमें से 10 ये हो गए, तो ये लिख लिए मैंने, उसके बाद 21 ये हो गए, बाकी बचे कितने, तो 10 और 21 को जोड़कर 40 में से घटा दो 9। ऐसे हम इन प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के बता देता हूं क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन में। एक व्यक्ति 8800 रुपए में 750 वस्तुएं खरीदता है, 33.33% भाग 14% लाभ पर बेचता है, बचे हुए भाग का 5/7 20% लाभ पर बेचता है, तो बचे हुए वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में उसे 12% लाभ हो। आ गया वही क्वेश्चन जिसका हम वेट कर रहे थे।
अब इसमें होल ट्रांजैक्शन में ना लाभ और ना हानि, मतलब लास्ट वाली लाइन जो मैं 0% कर रहा था वो नहीं दी, यहां पर होल ट्रांजैक्शन में 12% का लाभ दिया है। तो कुछ भी दिया हो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं बदलेगा, क्वेश्चन को देखेंगे करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं तो यहां हूं ही आपको बताने के लिए। तो देखो देखते हैं आज की क्लास का 7th क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे हमें रेशियो बनाना है बस ये समझ में आ जाए तो क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। देखेंगे 7th क्वेश्चन। तो आंसर परसेंटेज में पूछा है तो ऊपर वाली लाइन को तो छोड़ ही देते हैं, सीधा यहां से चलते हैं। 33.33% भाग 14% लाभ पर बेचता है, तो 33. जो भी आर्टिकल है उसका 33.33% को इसने सेल किया है और उस पर इसने प्रॉफिट लिया है 14% का, ठीक है। फिर उसके बाद बचे हुए भाग का मतलब रिमेनिंग का 5/7, ये जो 5/7 भाग कह रहा है ये शेष का कह रहा है, रिमेनिंग का कह रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। तो शेष का जो 5/7 भाग है उसको उसने सेल किया है 20% लाभ पर, तो +20%, ठीक है। उसके बाद तो बची हुई वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुल टोटल ओवरऑल क्या हो रहा है, तो टोटल यहां पर भैया लाभ हो रहा है। पुराने वाले क्वेश्चनों में सभी जितने भी मैंने 6 क्वेश्चन किए हैं, अभी जो हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हर एक में ये कहा था कि कुल न लाभ हो न हानि तो उसको 0% कर लेते थे, लेकिन यहां पर न लाभ और न हानि वाली बात नहीं है, यहां पर उसने कहा है कि कुल मिलाकर उसको 12% का लाभ होना चाहिए, तो मैंने उसको +12% लिख लिया। और यहां पे हानि भी बोल सकता है वो कि उतने परसेंट की हानि हो रही हो, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं बदलेगा। 33.33% सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बना लो, यही हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। तो 33.33 का होता है 1/3, तो 1/3 आसानी से निकल के आ जाए 5/7, तो उसके लिए टोटल भाग इनका मल्टीपल मान लेते हैं 21 मान लूं, 7 × 3 दोनों का मल्टीपल मान लो, तो टोटल भाग अगर 21 मान लें तो उसका 1/3, तो 1/3 निकालेंगे 21 का तो 7 भाग हो जाएंगे। उसके बाद बचेंगे कितने, क्योंकि शेष पर निकालना है 5/7, तो 21 में से 7 को माइनस करेंगे 14 बचेंगे, 14 का 5/7 निकालेंगे तो 10 भाग हो जाएंगे, 10 × 7 = 17, तो बचेंगे कितने 4, हमारा रेशियो बन गया टोटल भागों का जो सेल हुए। उसके बाद देखो कि कौन से को कितने परसेंट, 1/3 को 14% लाभ पर, तो 7 है, 7 रेशियो को 14% लाभ पर बेचा गया है तो +14%, तो 14% लाभ 7 भागों पर, तो 14/7 = 98% का लाभ हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद इसको 20% लाभ पर, तो 10 भाग हैं और एक भाग को 20% प्रॉफिट पर सेल करेंगे, तो यहां से इसको लाभ हो जाएगा +200% का, और टोटल 12% मतलब यहां पर उसे ओवरऑल 12% लाभ चाहिए, तो 12% का मल्टीप्लाई कुल भागों की संख्या में करेंगे, 12 से दो बार जाएगा एक बचेगा, 12 × 2 = 24 और 1 = 25, 252% का कुल लाभ चाहिए। तो इसका मतलब इन सब को ऐड करने पर 252 आने चाहिए, ऐसे समझ लो, या ऐसा समझ लो कि इधर वाला जो टोटल 252 है इसमें से अगर मैं इन दोनों को जोड़कर घटा दूं तो इस वाले भाग पर क्या होगा, ये निकल के आ जाएगा। तो पहले जो भाग बचा है, 4 भाग जो बचे हैं उस पर क्या होगा ये निकालेंगे, तो यहां का इस वाले भाग का निकालेंगे हम, इस वाले भाग का अगर हम निकालेंगे तो 252% टोटल जो ओवरऑल है टोटल ट्रांजैक्शन में वो 252% का लाभ चाहिए। मैं से दो भागों पर कितना ले लिया ये घटा दो तो तीसरे भाग पर आ जाएगा, तो दो भागों पर कितना ले लिया है 98% और 200%, 298% लाभ हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 298% लाभ ले चुके हैं, इसका मतलब ज्यादा ले चुके हैं, तो अगले वाले भाग को हानि पर बेचना पड़ेगा, कितनी हानि पर बेचना पड़ेगा वो देखेंगे। तो यहां पर रिजल्ट आएगा -8 में से 2 गया तो 6, 9 में से 5 गया तो 4, माइनस का 40%, -40% और भाग कितने हैं 4, उससे डिवाइड करना ना भूलें, 4 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 23/2, 23/2 का मतलब कितना हो गया 11.5%, भाई 11.5% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब माइनस, माइनस का मतलब हानि, 11.5% हानि कौन सी ऑप्शन पे है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, बस हमें सबसे पहले भाग बनाने, भाग बनाने के बाद बस ये देखना है कि कौन से भाग को कितने परसेंट लाभ हानि पर बेचा है, बस उसका मल्टीप्लाई कर देना है, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट निकाल लेना है। तो यहां पर टोटल में 12% लाभ दिया था तो हमें टोटल 252% लाभ चाहिए, यहां से हमें 298 मिल रहा था तो ज्यादा मिल रहा था, तो इसका मतलब इसको हानि पर बेचना पड़ेगा, वो तो अपने आप ही साइन बता देगा आपको हानि है कि प्रॉफिट है, एक तो कॉमन सेंस से भी आप पता कर
कर सकते हैं, जैसे मैं बताता हूं, या आप जब इसमें से इसको जब इधर वाले भाग में से इधर वाले को माइनस करेंगे तो ये अगर निगेटिव आएगा तो हानि, अगर पॉजिटिव आएगा तो लाभ। ठीक है, तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन देखेंगे, आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो और मैं पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1376 रुपए में खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 44.44% भाग 37.5% लाभ पर बेचता है, बचे हुए भाग के 42 सही 6/7% भाग को x प्रतिशत हानि पर बेचता है, बचे हुए भाग को 22.5% लाभ पर बेचता है। अगर उन वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य 1548 रुपए है तो x का मान बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन आज की क्लास का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करेंगे भाई, जैसे मैंने पहले बताया है करना वैसी है, बस थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं, उनको हम देखेंगे। तो देखेंगे आज की क्लास का एट्थ क्वेश्चन, सॉल्यूशन समझते हैं क्या कह रहा है आठवें क्वेश्चन में। देखो भाई आठवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुल वस्तुएं 1376 रुपए में खरीदता है, मतलब टोटल जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस हमको दिया है 1376 का, इतने रुपए में उसने टोटल वस्तुएं खरीदी हैं। ठीक है, वह उन वस्तुओं का 44.44%, फिर उनको अलग अलग भागों में बेच रहा है वो, तो 44.44% वस्तुएं बेच रहा है, 37.5% लाभ पर। ठीक है, बचे हुए भाग के 42 सही 6/7%, तो जो बचा उसमें से 42 सही 6/7% वस्तुओं को सेल कर रहा है, ये शेष का है, मतलब रिमेनिंग का है, रिमेनिंग का है x प्रतिशत हानि पर, माइनस x परसेंट, और फिर जो शेष बचेगा इस सब के बाद, जो रिमेनिंग बचेगा उसको सेल कर रहा है ये लाभ पर, 22.5% लाभ पर। ठीक है, तो ये कह रहा है, और अगर उन वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य 1548 है, सेलिंग प्राइस दिया है सभी आर्टिकलों को सेल करने के बाद कि उसे 1548 रुपए मिलते हैं, ये दिया है, तो बताइए एक्स का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है उसने इस क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या होता था कि अभी वो यहां पर ये जो मूल्य है, ये वाले जो मूल्य है, इन मूल्यों की जगह हमें होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट दे देता कि इसने इतने परसेंट लाभ कमाया या इतने परसेंट हानि, तो मैं इस 1376 का और इसका कोई भी प्रयोग नहीं करता, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देता। लेकिन यहां पर विद्यार्थियों को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर यहां पे आंसर तो परसेंटेज में पूछा है, तो आप कह रहे थे परसेंटेज में जब आंसर पूछा हो तो परफेक्ट मान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर हमें इनका यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट हम यहीं से निकालेंगे कि कुल मिलाकर व्यापार में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ है। क्यों? क्योंकि इस वाले भाग को इतने परसेंट लाभ पर बेचा है, इस भाग को इतने परसेंट हानि पर बेचा, इसको इतने परसेंट लाभ पर बेचा, ये तो हमें सब पता लग रहा है, लेकिन होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट, एक्स का मान तभी निकल के आएगा जब हमें होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट पता हो। तो सबसे पहले होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट निकाल लो या रेशियो बना लो, तो सबसे पहले हम रेशियो बना लेते हैं। तो रेशियो बनाएंगे 44.44%, 44.44% का फ्रैक्शन मान बनाओ तो 11.11, देखो ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा भाई, मैं इधर बना के दिखा देता हूँ फिर मिटा दूंगा। हमें पता है कि 11.11% जो होता है वो 1/9 होता है, और ये इसका चार गुना है, तो इसका मतलब इधर भी चार का मल्टीप्लाई, इधर भी चार का, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 4/9। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा भाई, 4/9 बनेगा। तो मैं इसी चीज को जो ये कह रहा है कि 44.44% को 37.5%, इसी चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 4/9 भाग को इसने इतने परसेंट लाभ पर बेचा है। ठीक है, उसके बाद जो शेष बचा उसका 42 सही 6/7, तो देखो ये 14 सही 2/7 का 3 गुना है, तो इसका मतलब इसको मैं 3/7 भाग कह सकता हूं, शेष जो बचा उसका 3/7 भाग। अब बस भाग बन गए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान है, तो 4/9 और 3/7, तो ऐसा मानना है जो 9 से भी कट जाए 7 से भी, तो इनका मल्टीपल मान लेते हैं टोटल भागों की संख्या, तो 9 और 7 का मल्टीपल 63 मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिए कि टोटल जो भाग है वो 63 रेशियो है, उसमें से 4/9, तो 9 7 63 7 6 28 रेशियो सेल हो गया, कितने परसेंट पर, 37.5% पर। उसके बाद बाकी कितना बचा, तो बाकी जो बचा उसका 3/7, तो
63 में से इसको माइनस करेंगे तो 5/9 बचेगा, तो कितना बचेगा 35 बचेगा, 35 का 3/7 निकालेंगे तो कितना आएगा 15, फिर 35 का कितना बचेगा 4/7 तो कितना बचेगा 20, 20, 15, 28 इस प्रकार से झेल हुआ है, सबको जोड़ेंगे तो टोटल हो गया 63। तो सबसे पहले हमने क्या किया, भाग बना लिया, भाग बनाने के बाद अब देखो कौन से को कितने परसेंट लाभ हानि पर बेचा है, तो 4/9 को 37.5% लाभ पर, तो ये जो 28 है इसको 37.5% के लाभ पर बेचा गया है। अब यहां पर 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/8, तो मैं फ्रैक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई परसेंटेज में दिया है तो कैलकुलेट करना आसान रहेगा, 3/8 तो देखो 4 से ये कट भी जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम बाद में कर लेंगे, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 का, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार, 7 21/2 तो आ जाएगा 10.5, लेकिन ये फ्रैक्शन में चल रहा है ये ध्यान रखना। उसके बाद 15 को कितने एक्स परसेंट के लॉस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक्स परसेंट के लॉस की बात कर रहा है तो सीधा परसेंटेज में ही लेके चलते हैं, क्योंकि वो परसेंटेज में परफेक्ट में नहीं दिया तो उसका फ्रैक्शन नहीं बन पाएगा, तो हम इसको परफेक्ट में ही लेके चलेंगे, तो 37.5% ही लेके चले भाई, इसको 37.5% ही लेके चले, तो 4/9 भाग को 37.5% के लाभ पर बेचा गया है, इसका मतलब ये 28 जो रेशियो है इसको बेचा गया 37.5% प्रॉफिट पर, तो यहां से टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके अलावा इसको एक्स परसेंट लॉस, तो इसमें एक्स परसेंट लॉस तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स परसेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 20 भाग को जो है 22.5% के लाभ पर बेचा गया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 22.5%, ओवरऑल रिजल्ट हमको पता होना चाहिए, तो ओवरऑल रिजल्ट हमें यहां से निकालना पड़ेगा, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फिर उसके बाद ओवरऑल रिजल्ट निकाल लेंगे, तो 28 में मल्टीप्लाई करेंगे 37.5 का, तो ये तो सीधा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 15x%, यहां करेंगे 22.5 में तो ये 225 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 450। कैसे किया, ये जीरो है तो ये 225 का दोगुना करेंगे 450% हो गया, यहां कर लेते हैं 37.5 मल्टीप्लाई 28, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 का करेंगे तो ये कितना बन जाएगा भाई 75 बन जाएगा, बचेगा कितना 14, 14 का करेंगे 14 5 70 07 और 14 7 98, 98 और 7 कितना हो जाएगा 1050, तो ये हो जाएगा हमारा 1050%, ये हो गया। अब हमें अगर ये होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट और पता लग जाए तो उसका मल्टीप्लाई करके दोनों भागों को बराबर करके एक्स का मान निकाल लेंगे, तो पहले हमें होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट पता लगना चाहिए, इसको मैं मिटा देता हूं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, साइड वाली चीज जो है इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो देखो होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट कैसे निकालेंगे, 1376 में खरीदा है और 1548 में बेचा है, तो इसका मतलब लाभ हुआ है, टोटल ट्रांजैक्शन का लाभ परसेंट निकालेंगे तो पहले देखेंगे कि कुल लाभ कितने का हुआ है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 271 का लाभ हुआ है, कितने पर हुआ है वो देखेंगे तो 1376 पर हुआ है, इसको करेंगे तो इससे ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू 1/8 हो जाएगी, परसेंटेज बनाएंगे मल्टीप्लाई 100, तो इसका मतलब टोटल ट्रांजैक्शन में 12.5% का लाभ हुआ है, टोटल ट्रांजैक्शन में 12.5% का लाभ हुआ है, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5%, तो यहां पर आ जाएगा आपका 12.5% का मल्टीप्लाई कर देंगे 63 में, तो 63 में मल्टीप्लाई कर लें भैया, 63 में मल्टीप्लाई कर लें 12.5 का, ठीक है। तो यहां से कर लेते हैं तो इसको करेंगे तो 3 से 5 बन जाएगा आपका 375, 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 5 3 0 3 और 12 6 72 और 3 75 750, तो ये हो जाएगा 5 7 5 और 3 8, ये तो ये हो जाएगा 787.5। ठीक है, अब दोनों ये वाली वैल्यू 787.5 आनी चाहिए इन सबको ऐड करने पर, तो ये करेंगे तो हो जाएगा हमारा 787.5% की वैल्यू बराबर हो जाएगी, 1050 पॉजिटिव और 450 पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1500 और माइनस के 15x%। ठीक है, यहां से करेंगे तो देखो इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो 15x हो जाएगा,
इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 15x की वैल्यू बराबर हो जाएगी 1500 में से, ये इधर आएगा और इसको इधर लेके जाएंगे तो 1500 में से ये माइनस हो जाएगा, 1500% में से माइनस कर देंगे 787.5%, 787.5%। तो यहां पर कितना बचा, 0.5 बचा, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 1 बचेगा और 712.5% और बटे 15 एक्स का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 712.5/15, 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 से 4 बार जाएगा 60, 11 बचेगा आपका 115 से 105 और 15 15, तो आंसर आ जाएगा 47.5%, 47.5%। 15 से 712.5 को कैंसिल करेंगे तो 47.5% आंसर आ जाएगा, जो कौन सी ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये भाग वाले क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आज हमने ये जो अलग अलग आर्टिकल सेल किए जाते हैं भाग वाले टाइप के, कुछ क्वेश्चंस देखे और कंसेप्ट को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इसी पर आधारित कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, सही रहें, स्वस्थ रहें।